हेलो हाय गाइस स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट मार्च में किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया है 2021 एडिशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट टाइटल्ड वैल्यूइंग वाटर द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज यूनेस्को सो यूनेस्को हैज इट दिस है ह्यूमन रिपोर्ट तो रियल वर्थ ऑफ वाटर जो है वो निगलेक्ट हो गई है लीडिंग टू इट्स वेस्टेज लीडिंग्रोप्रिएशन बाय सर्टन इंटरेस्ट ये फ्लैग किया है बाय द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज इन मार्च 22 2020 ऑन वर्ल्ड वाटर डे राइट सो वी हैव टू वैल्यू फाइव इंटर रिलेटेड परसपेक्टिव इसके अंदर दिए गए इसमें बोला गया कि वी हैव टू वैल्यू वाटर रिसोर्स एंड इको वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर वाटर स्टोरेज यूज री और सप्लाई ऑर्गमेंटेशन वी हैव टू वैल्यू वाटर सर्विसेज मेनली ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड रिलेटेड ह्यूमन हेल्थ एस्पेक्ट्स We have to value water as an input to production and socio economic activity such as food and agriculture, energy and industry, business and employment. Other socio cultural values of water include recreational, cultural and spiritual attributes. Which of the following states has emerged as a champion state for One Dhan Vikas Yojana? Kindly give your answer. The correct answer for the same is Manipur. So, Manipur has emerged as a champion state where One Dhan program has been emerged as the major source of employment for local tribals.

ऑफ द सेंटर ऑफ नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस काइंडली अपना आंसर बताएं करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज अप्लाइड मटीरियल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सो आई आई सी बेंगलुरू एंड अप्लाइड मटीरियल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने साइन किया आर एंड डी पैक्ट फॉर इंडस्ट्री एफिलियेट प्रोग्राम ऑफ द सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एज अ पार्ट ऑफ द आई ए पी अपलाइड मटीरियल्स इंडिया वर्क कर रहे हैं क्लोजली विद सेंसी ताकि एक्सप्लोर हो सके न्यू एप्लीकेशन एंड सोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ एडवांस मटीरियल्स स्टेटमेंट बोली है कंपनी ने विच कंट्री इज टू कंडक्ट एरियल रडार सर्वे ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स टू एस्टिमेट थिकनेस काइंडली अपना आंसर बताएं द करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज नन ऑफ दीज द करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज इंडिया सो इंडिया इज गोइंग टू प्लानिंग टू कंडक्ट एन एयरबोन रडार सर्वे ऑफ द हिमालयन ग्लेशियर्स ताकि वो एस्टिमेट कर सके उसकी थिकनेस को पायलट स्टडी इसकी की जाएगी लाहौल स्पीति बेसिन ऑफ हिमाचल प्रदेश के अंदर फॉलोइंग दिस सिमिलर स्टडीज की जाएंगी इंडस गंगा और ब्रह्मपुत्र सब बेसि के अंदर भी ये डेवलपमेंट सिग्निफिकेंट है गिवन द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लेशियर्स इन इंडिया रिवर सिस्टम ग्लेशियर्स जो है वो हेल्प है, करते हैं अराउंड पांच सौ मिलियन पीपल को जो लिव करते हैं डाउन स्ट्रीम इन द इंडो गैग्नेटिक प्लेन्स ग्लेशियर्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एन एनर्जी सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट ऑन है स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाई इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग टू नेट जीरो एमिशन एनर्जी सिस्टम रिलीज बाय टेरी एंड शेल नेट जीरो एमिशन इन इंडिया एनर्जी सिस्टम किस साल तक अचीवेबल हो पाएंगे करेक्ट अपना आंसर दीजिए करेक्ट आंसर इसका है 2050 तक तो 2050 तक नेट जीरो एमिशन हो जाएंगे इंडिया के एनर्जी सिस्टम्स में एनर्जी जो है हर्ट ऑफ डेवलपमेंट और इंडिया के हाई एस्पीरेशन के ऊपर है पॉपुलेशन हमारी ऑलमोस्ट वन बिलियन पीपल है तो दो तक नेट जीरो एमिशन जो है इंडिया के अचीव हो पाएंगे खेलो इंडिया स्कीम एक्सटेंड हो गई है किस साल तक खेलो इंडिया स्कीम जो है वो एक्सटेंड हो गई है 2025 से 26 तक खेलो इंडिया स्कीम मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने रेस किया लिमिट फॉर टैक्स एक्सम्पन ऑन इंटरेस्ट अर्न ऑन प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन बाई एम्प्लाइज टू ब्लैंक पर एनएम इन स्पेसिफाइड केसेज एज अगेंस्ट टू पॉइंट फाइव लैक प्रपोज इन द बजट सो क्या इसकी लिमिट दी गई है अपना करेक्ट आंसर दें सो द करेक्ट लिमिट फॉर दिस इज रुपीज फाइव लैख सो रुपीज फाइव लैख पर लाख लैखोज इन द बजट जो है वो दी गई है एक्वाकल्चर टेक फॉर्म कनेक्ट ने पार्टनर किया है किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ फॉर एन इंश्योरेंस प्रोग्राम फॉर शिमप फार्मर्स काइंडली अपना आंसर दें करेक्ट आंसर है इसका एक्वा कनेक्ट तो एक्वा कनेक्ट ने पार्टनर किया है विद एलायंस इंश्योरेंस ब्रोकर्स इसका आंसर है इंश्योरेंस ब्रोकर्स नंबर ए फॉर श्रिम फार्मर्स सो so, ये किया गया है पार्टनरशिप से डेढ़ लाख श्रिम फार्मर्स अक्रॉस इंडिया को हेल्प मिलेगी पार्टनरशिप जो है उसका मेन एम है कॉम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस अवेलेबल कराना श्रिम फार्मर्स को ताकि वो वेदर और डिजीज रिलेटेड चैलेंजेस को मीट कर सके इसके अलावा फार्मर्स को ऑर्सो मिलेगा एक्वा कनेक्ट फार्म एडवाइजरी ऐप एंड ऑप्शंस टू बाय हाई क्वालिटी इनपुट्स फ्रॉम द एक्वा कनेक्ट प्लेटफॉर्म इंडिया ने रैंक किया किस प्लेस पर ऑन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स काइंडली अपना आंसर दें करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज

काइंडली अपना आंसर बताएं सो द करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज आंसर नंबर सी अंडमान एंड निकोबार तो अंडमान एंड निकोबार ने अचीव किया हंड्रेड परसेंट फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन कवरेज अंडर जल जीवन मिशन अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड्स के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल डीके जोशी ने यह डिक्लेयर किया है और इन्होंने ये भी कहा है कि राज पोर्ट ब्लेयर पर यह कहा है इन्होंने वर्ल्ड वाटर डे इसके साथ अंडमान है निकोबार तीसरा स्टेट है यूटी बन जाता है कंट्री में टू अचीव द टारगेट आफ्टर गोवा एंड तेलंगाना अंडर द जल जीवन मिशन यूनाइटेड नेशन ऑफिस की प्रोजेक्ट सर्विसेज ने एंटर किया है पार्टनरशिप विद विच कंट्री टू तो सपोर्ट द सेंटर्स फ्लैगशिप जल जीवन मिशन इन उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज बताइए अपना आंसर करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज डेनमार्क सो डेनमार्क के साथ यूएनओपीएस ने लॉन्च किया है फ्लैगशिप जल जीवन मिशन इन उत्तर प्रदेश यू जो है फोकस करेगा ग्यारह वाटर स्का डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और विंध्या रीजन के अंदर पानी पहुंचाने के लिए इंडिया और किस कंट्री ने एग्री किया है कि वो रिकॉग्नाइज करते हैं ईच अदर्स ऑफिस टू एक्ट म्यूचुअली एज कॉम्पिटेंट इंटरनेशनल सर्चिंग एंड इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी एग्जामिनिंग अथॉरिटी फॉर एनी इंटरनेशनल पेटेंट एप्लीकेशन फाइल विद काइंडली अपना आंसर दें करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज जापान तो जापान के अंदर ये रिकॉग्नाइज किए गए हैं ईच अदर्स ऑफिस टू एक्ट म्यूचुअली एज कॉम्पिटेंट इंटरनेशनल सर्चिंग इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी एग्जामिनिंग अथॉरिटी फॉर एनी इंटरनेशनल पेटेंट एप्लीकेशन फाइल एग्रीमेंट अराइव हुआ था ड्यूरिंग द फोर्थ रिव्यू मीटिंग बिटवीन द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एंड जापान पेटेंट ऑफिस लास्ट वीक अंडर मेमोरेंडम ऑफ कॉपोरेशन ऑन इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी किस स्टेट ने लॉन्च किया इंडिया का पहला गवर्नमेंट ऑन एम्बुलेंस नेटवर्क फॉर एनिमल्स काइंडली अपना आंसर बताइए करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज आंसर नंबर बी आंध्र प्रदेश तो एनिमल हस्बेंड्री और वेटनरी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मोहन वाई एस मोहन रेड्डी ने डिसाइड किया कि वो मोबाइल एम्बुलेंस मिनिस्टर का वन ऑफ द मेन मिशन कि वो रीच आउट कर सके डिस्ट्रेस्ड एनिमल्स को और प्रोवाइड कर सके उन्हें प्रॉपर एनिमल हेल्थ केयर हु अमंग द फॉलोइंग हैज हुआज बुक टाइटल एज ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर काइंडली इसका आंसर दें करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज एम वेंकैया नायडू तो एम वेंकैया नायडू ने ये बुक लॉन्च की है डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स प्रिस्क्रिप्शन है ये और ये बुक ऑथर की है डॉक्टर एम रामचंद्रन आई रिटायर्ड ये चांसलर हैं आई यूनिवर्सिटी देहरादून के और आई ग्रुप ने फैसिलेट की टीट की है बुक लॉन्च सेरेमनी किस टीम ने विन किया है 2020 से 21 रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज को काइंडली अपना आंसर बताइए तो करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज आंसर नंबर सी इंडिया तो इंडिया ने डिफीट किया श्रीलंका को बाय चौदह रन इन द फाइनल ऑफ रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज ताकि क्लिंच हो सके टाइटल ऑन संडे पठान स्टार ऑफ द डे थे और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच बोला गया है टूर्नामेंट समिट क्लैश मतलब कि जो मैच हुआ है उसके अंदर अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट बताएं करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज नाइन पॉइंट वन परसेंट सो सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट जो है वो नाइन पॉइंट वन परसेंट इंक्रीज हुआ है ये डाटा आया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे रिलीज किया है किस बैंक ने लॉन्च किया है इंस्टेंट ई एम आई फैसिलिटी ऑन इट्स इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म कॉल्ड ई एम आई एट द रेट इंटरनेट बैंकिंग करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज आई बैंक तो बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया है इंस्टेंट ई एम आई फैसिलिटी इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म कॉल्ड ई एम आई एट द रेट इंटरनेट बैंकिंग ये न्यू फैसिलिटी एम करती है टू ऑफर इंक्रीज अफोर्डेबिलिटी टू प्री अप्रूव कस्टमर्स एज इट एनेबल्स दैम टू कन्वर्ट देयर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन टू रुपीज फाइव लैख इंटू ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने इनोग्रेट किया है शहीद भगत सिंह स्मारक इन विच सिटी काइंडली अपना आंसर दें सो द करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज न्यू दिल्ली तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने ऑर्गेनाइज किया था जिसमें 90 साल मार्टिडम ऑफ नेशनल आइकन और इंडियन नेशनल मूवमेंट शहीद भगत सिंह सुखदेव थापड़ और शिवराम राजगुरु के मनाए गए थे इसमें यूनियन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ये जो चीज है ये की है सहमी शहीद भगत सिंह स्मारक को इनाग्रेट किया है और ये वर्चुअली किया है उन्होंने चीफ मिनिस्टर किस स्टेट के ने लॉन्च किए ई ऑफिस ही एहली सर्विस ई आगमन ई लाहौल फॉर लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट काइंडली अपना आंसर बताएं बहुत इजी है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का मतलब है कि इसका आंसर जो है वो होता है बी हिमाचल प्रदेश के अंदर यह लॉन्च की है चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ने ये लॉन्च की है इससे ऑप्टिमम यूज ऑफ इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी हो पाएगी फॉर गुड गवर्नेंस आई लर्न लॉन्च हुआ था किस स्टेट द्वारा फॉर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स काइंडली अपना आंसर बताएं करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज फॉर द सेम इज आई ऑफिस काइंडली आई लर्न काइंडली अपना आंसर बताइए करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज नागालैंड सो नागालैंड फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेर मिनिस्टर एस पाग्यून फोम ने लॉन्च किया था आईलर्न कैपेसिटी बिल्डिंग और परफॉर्मेंस ट्रैकिंग एप्लीकेशन है इन द स्टेट एट इज ऑफिस चैम्बर इन कोहिमा विच आर द फॉलोइंग टू स्टेट्स ऑफ साइन एन एग्रीमेंट विद सेंटर फॉर केन बेतवा रिवर लिंकिंग इंटर लिंकिंग प्रोजेक्ट काइंडली अपना आंसर बताइए सो द करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज काइंडली टेल द करेक्ट आंसर सो so, केन बेतवा में यूपी और एमपी साथ में आए हैं क्योंकि ये रिवर्स है, वो दोनों स्टेट्स के अंदर फ्लो करती हैं इससे इंटरलिंकिंग हुई है एग्रीमेंट साइन हुआ था ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वाटर डे और वर्चुअल लॉन्च हुआ था कैश द रेज कैंपेन अकॉर्डिंग टू उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट यूनियन कैबिनेट चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने अप्रूव किया है साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यूपीएससी एंड इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड सिविल सर्विसेज कमीशन आई बेस्ड है इन विच कंट्री तो अपना आंसर बताइए करेक्ट आंसर आप इसका बताइए करेक्ट आंसर इसका है अफगानिस्तान तो अफगानिस्तान के अंदर ये बेस्ड है इससे शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज बोथ द पार्टीज इन द एरिया ऑफ रिक्रूटमेंट शेयर हो सकेंगे किस एडिशन ऑफ नेशनल फिल्म अवार्ड वॉ कन्फर्ड रिसेंटली सो आंसर इसका है सिक्सटी तो सिक्सटी सेवेंथ जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं वो दिए गए हैं और इसके अंदर Uh, जो जूरी फिल्म फेकर विवेक बाग है उन्होंने बोला है कि उनका सेकेंड नेशनल अवार्ड है और फर्स्ट एज अ डायरेक्टर है तो ये 22 मार्च को न्यू दिल्ली में अनाउंस हुए थे और ऑनर्स थे फॉर द फिल्म ऑफ द ईयर 2019 <laughs> किस फॉलोइंग कंपनीज को ग्लोबली टू बी सर्टिफाइड एज द हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन एल थ्री बाई यू एन बैग सस्टेनेबल राइस प्लेटफॉर्म इक्वलेबल काइंडली अपना आंसर बताइए सो द करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज एल्टी फूड्स तो एल्टी फूड्स को बनाई है फर्स्ट कंपनी ग्लोबली टू बी सर्टिफाइड विद हाइस्ट लेवल ऑफ वेरिफिकेशन एल थ्री बाई यू एन बैक्ट सस्टेनेबल राइस प्लेटफॉर्म इको लेवल इंडिया ने सप्लाई किए हैं टू मोबाइल हार्बर क्रेन्स ईच पेंग हंड्रेड टन टू विच कंट्री काइंडली अपना आंसर बताइए सो करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज उरान तो ईरान को इंडिया ने सप्लाई किए हैं टू मोबाइल हार्बर क्रेन्स इनका वेट है इंडिविजुअली सौ टन

सो करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज नन ऑफ दीज एज मध्य प्रदेश हैज लॉन्च द प्रोग्राम स्टेट कंटिन्यूज टू रजिस्टर हाई कोविड पॉजिटिविटी रेट ए आई आर भोपाल कॉरेस्पॉन्डेंट ने रिपोर्ट किया कि सारे प्ले किए जाएंगे एट ग्यारह ए एम और सात पी एम इन द स्टेट स्टेट में पब्लिक स्टॉप करेगी इन द प्लेस और मास्क पहनने के लिए और मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग के लिए यह काम किया जाएगा फ्रूट ग्रोअर्स किस स्ट के अंदर इनोवेटिव मूवमेंट लाएंगे टू प्रोमोट फ्रेश फ्रूट केक्स एज हेल्दी ऑप्शन इनस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल बेकरी मेड केक्स ताकि सेलिब्रेट हो सके बर्थडेज एंड अदर स्पेशल ओकेजन काइंडली अपना आंसर बताइए सो करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र के अंदर ये स्टार्ट हुआ है इनोवेटिव मूवमेंट टू प्रोमोट फ्रूट केक्स एज एन हेल्थियर ऑप्शन इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी एंड डिटेन एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर 2021 हजार इक्कीस ऑब्जर्व हुआ है किस स्टेट को अब काइंडली अपना अपना आंसर बताएं करेक्ट आंसर फॉर इज मार्च 25 को ये ऑब्जर्व हुआ है इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर ये डेट एनिवर्सरी है ऑफ द एबडक्शन ऑफ एलिक कॉलेट ये जर्नलिस्ट थी जो डाई की थी वर्किंग फॉर द यू के अंदर इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेंबरेंस ऑफ ऑफ लेवरी एंड ट्रांस एटलैंड स्लेव ट्रेड दो ऑब्जर्व हुआ है किस डेट को उत्तर है इसका मार्च 25 तो मार्च 25 को ये ऑब्जर्व हुआ है डे ये ऑनर करता है लाइव्स को उनकी जो डाई हुए थे रिजल्ट एज एज रिजल्ट ऑफ स्लेवरी और जिन्होंने ट्रांस एटलांटिक स्लेव ट्रेड के अंदर एक्सपीरियंस किया था ये आल्सो अवेयरनेस रेस करता है अबाउट रेसिज्म एंड प्रिजुडाइज इंटरनेशनल डे ऑफ द राइट्स टू ट्रूथ कंसर्निंग ग्रॉस ह्यूमन राइट रिलेशन फॉर द डिग्निटी ऑफ विक्ट दो ऑब्जर्व हुआ है किस डेट को काइंडली अपना आंसर बताएं द करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज मार्च पच्चीस मार्च so 25 को ये ऑब्जर्व हुआ है यूएन होल्ड करता है वेरियस ग्लोबल एक्टिविटीज टू प्रमोट दिस इवेंट्स ये एनकरेज करता है गवर्नमेंट को और पीपल वर्ल्ड वाइड को टू एडवर्व दिस इंटरनेशनल डे बाईनिंग द विक्टिम ऑफ ह्यूमन राइट वायोलेशन प्रमोट द इंपॉर्टेंस ऑफ द राइट टू ट्रुथ एंड जस्टिस हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल ऑफ द वुमेन काइंडली अपना आंसर बताइए तो द करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज जीत थायल तो जीत थायल ने ये नेम्स ऑफ द वुमेन लॉन्च की है और ये बुक उनके द्वारा लॉन्च हुई है एस्केप्ड ट्रू स्टोरीज ऑफ इंडियन फ्यूजिव इन लंडन काइंडली अपना आंसर बताइए So तो इसका आंसर है डी यानी कि इसे लॉन्च किया है दानिश खान और रूही खान दोनों ने तो दानिश खान और रूही खान दोनों ने इसे लॉन्च किया है ये ट्रू स्टोरीज ऑफ इंडियन फ्यूजिव इन लंडन है जिसमें बारह केसेस जहां पे एलिस्ट ऑफेंडर्स जो वॉन्टेड इन इंडिया है वो लोन डिफॉल्टर्स और मर्डर से रिलेटेड जो है वो भाग जाते हैं और लंडन के अंदर उनकी लाइफ बताते हैं किस डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया क्लाइमेट डाटा सर्विस पोर्टल विद डाटा ओवर हंड्रेड इयर्स व्हिच कैन बी असेस्ट बाय द पब्लिक काइंडली अपना आंसर बताएं सो द करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज इंडियन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन्होंने आई ने ये लॉन्च किया है आई एम पुणे ने बनाया है नॉर्थ कोरिया ने कितनी बैलिस्टिक मिसाइल्स इन सी फाइल की हैं एज पर द रीसेंट रिपोर्ट करेक्ट आंसर इसका है दो सो दो मिसाइल्स जो हैं ये लॉन्च की गई हैं एल ने बिल्ड किया है ऑफ पोर्टल आई सी वज्रा जो कमीशन हुआ है इन द इंडियन कोस्ट गार्ड एट विच प्लेस बाय जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ काइंडली अपना आंसर बताएं सो द करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज आईसीजीएस वज्रा जो है वो हुआ है चेन्नई के अंदर कमीशन तो कमीशन ये चीफ जनरल ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी ने किया है ये सिक्स वेसल है इन द सीरीज ऑफ सेवन ओपीडब बिल्ड बाय लार्सन एंड टॉबर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी ने साइन किया है शेयर परचेज एग्रीमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ हंड्रेड परसेंट स्टेक इन अ स्पेशल पर्प व्हीकल होल्डिंग पचास मेगावाट ऑपरेटिंग सोलर प्रोजेक्ट ऑफ द टोरेंटो हेडक्वार्टर स्काई पावर ग्लोबल काइंडली अपना आंसर बताएं आंसर बहुत ऑब्वियस है तो इसका आंसर है ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। उन्होंने ये स्पी स्पी लिया है प्रोजेक्ट लोकेटेड है तेलंगाना में हुआ है दो हजार ने डिसाइड किया डेल्यूट करना कितना परसेंट स्टेक इन रेल विकास निगम लिमिटेड नियरली रुपीज सात सौ पचास करोड़ उत्तर है इसका सत्ताईस उत्तर है इसका उत्तर है इसका पंद्रह परसेंट पंद्रह तो परसेंट जो स्टेक है वो रेल विकास निगम में वाया ओ एफ एस ऑफर फॉर सेल ये करेंगे इंडियन गैस एक्सचेंज ने डाइवर्स किया कितना परसेंट इक्विटी इन होल्डिंग इन द इंडिया एनर्जी एक्सचेंज ने डाइवर्स किया कितना परसेंट इक्विटी इन द इंडियन गैस एक्सचेंज टू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एनएससी उत्तर है इसका सत्ताईस परसेंट तो सत्ताईस परसेंट जो है वो दिया गया है तो इंडिया एनर्जी एक्सचेंज डायवर्स किया ट्वेंटी सिक्स परसेंट ऑफ इट्स इक्विटी होल्डिंग इन इंडियन गैस एक्सचेंज टू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया तो आई जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और उसमें सेपरेटली जो है पांच परसेंट इक्विटी होल्डिंग टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन द्वारा की गई है थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आई थिंक दिज ओनली वन क्वेश्चन लेफ्ट नाउ डेनिस डेनेसाओ निजोसो रिलेक्ट हुए प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री काइंडली अपना आंसर बताएं आंसर बहुत ही ज्यादा सिंपल है आंसर है कांगो तो री इलेक्ट हुए हैंज प्रेजिडेंट ऑफ कांगो विद एटी एट पॉइंट फाइव सेवन परसेंट ऑफ द वोट अकॉर्डिंग टू द प्रोविंशियल रिजल्ट हैप्पी होली थैंक यू फॉर वॉचिंग आई शैल मीट यू टुमारो विद द हिंदी एंड विद द इंग्लिश वर्जन ऑफ द सेम करेंट अफेयर्स थैंक यू